रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको कोविन की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रजिस्टर और साइन इन योरसेल्फ। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले रजिस्टर करें यहाँ से। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। यहाँ अपना एक नंबर डालें और उसके बाद उस नंबर पे OTP आएगा। वेरीफाई करेंगे तो अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपका नाम, आपका ईयर ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और उसका नंबर। वो करने के बाद आपका ये वाला पेज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको डोज वन के लिए शेड्यूल करना है। डोज वन है, डोज टू है। अगर आप 45 के ऊपर हैं तो डोज वन डोज टू, और अगर आप उसके नीचे हैं तो अभी आपको केवल पहला डोज लगेगा। यहाँ पे इसलिए मेरे में डोज वन आ रहा है, जिसको आप शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक करके ऐड मेंबर पे आप और भी अपने फैमिली में जितने भी और मेंबर्स हैं उनको और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नोट में लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट इज ओपन फॉर 18 to 44 तक के लिए रजिस्ट्रेशन खुल गया है, और वॉकिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है 18 से 44 तक के एज ग्रुप में। मतलब अगर आप 18 से 44 के बीच में हैं तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, लाइन में लग के नहीं होगा। आपको खाली रजिस्टर करना है यहाँ पे, और वहाँ आप सेंटर पे जाएंगे तो आपको वो वैक्सीनेशन हो जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन नहीं होगा 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों को। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेड्यूल में जाएंगे। जैसे कि यहाँ आ रहा है कि किसके लिए शेड्यूल करना है, तो ये मेरा नाम, जैसे आप यहाँ मल्टीपल लोग हो सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पर शेड्यूल नाउ करेंगे। इसके बाद एरिया का पिन कोड आएगा, सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। तो मैं सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ लखनऊ। सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है कि कहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये वैक्सीनेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे दिख रहा है ये अलग अलग डेट कि कहाँ पे है, और साथ में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये कौन से एज ग्रुप के लिए ये लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 45+ लिखा है, तो मतलब यहाँ पे इसमें केवल 45+ के लिए हो रहा है। और ये जो 35 लिखा है, मतलब कितनी सीट्स अभी बची हुई है, कितने डोजेस बचे हुए हैं। तो आप अगर 45+ हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप 18 से 45 के बीच में हैं तो आप एक ऐसे किसी सेंटर पे देखिए जहाँ पे 18 to 45 के बीच में हो और वो खाली हो, बुक्ड ना दिखा रहे। तो क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर सेंटर्स जो हैं वो 45+ के लिए खुले हुए हैं। जैसे कि ये बलरामपुर हॉस्पिटल है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज 18+, लेकिन ये पूरा बुक है, फुल्ली बुक है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा आपको कोई एक सेंटर खोजना होगा जहाँ पे ये 18+ लिखा है और वो उसमें भी स्लॉट खाली है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे वो शेड्यूल हो जाएगा और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपको आपका ये शेड्यूल हो चुका है। और उसके बाद आपको वो मैसेज और अपना वो जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपने उसमें डाला है वो लेके जाना है, जिस आधार कार्ड और आपका उस सेंटर पे वैक्सीनेशन होगा। अगर अभी सारे हॉस्पिटल्स में 18+ का की सुविधा चालू नहीं हुई है तो धीरे धीरे चालू स्टार्ट होगी।